मैं आज नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा दे रहा हूँ। जो पार्टी थी मेरी नेशनल कॉन्फ्रेंस, उससे इस्तीफा देता हूँ। आज मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा देना। आज हम नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा दे रहे हैं। अज साड़ा लीडर जिहड़ा सुरजीत सिंह सलाथिया जी है, उन्हें जिहड़ी बीजेपी की पार्टी की ज्वाइन किया। अस पहले भी सुरजीत सिंह सलाथिया जी अपने रिटायरमेंट, अज भी सुरजीत सिंह सलाथिया जी साड़े। आज उन्होंने रिजाइन कर दिया है, मेरे नेता जो हैं सुरजीत सिंह सलाथिया, उन्होंने रिजाइन करके बीजेपी ज्वाइन कर ली है। तो नेचुरली मैं अपने नेता के साथ ही रहूँगा, नेता के साथ ही चलूँगा। जो हुक्म मेरे नेता का होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़नी है, मैंने आज छोड़ दी, रिजाइन मैंने कर दिया। मुझे नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक स्टेट समाचार से और मैं हूं जिला सांबा से सुरेश शर्मा। आज मैं आपको मंगलवार को एक बड़ी सियासी खबर है जिला सांबा की वो सुनाने जा रहा हूं कि जिला सांबा में मंगलवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। जहां से पूर्व मंत्री सुरजीत सिंह सलाथिया ने रविवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा दिया था और सोमवार को दिल्ली में उन्होंने भाजपा का दामन थामा था, उसके बाद आज मंगलवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो पदाधिकारी हैं जिला सांबा के बीजेपी क्षेत्र के, उन्होंने इस्तीफा दिया है। मैं उनका नाम आपको बताता हूं कि जिला प्रधान है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के, महेंद्र गुप्ता, उन्होंने भी आज नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद हम अगर बात करें बीजेपी विधानसभा क्षेत्र की, तो जहाँ से तीन ब्लॉक प्रेजिडेंट हैं, जो ब्लॉक प्रधान हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उनमें से मेन है बीजेपुर से जो है वो मोहन सिंह है, ब्लॉक प्रधान नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और रामगढ़ से हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के ब्लॉक प्रधान प्रेमपाल चौधरी, और बड़ी ब्राह्मणा से हैं ब्लॉक प्रधान जो भगवान सिंह, उन्होंने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा दे दिया। वहीं यूथ प्रधान है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के रामगढ़ से बिंदर, उन्होंने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा जो नगर परिषद बड़ी ब्राह्मण है, वहाँ के पूर्व चेयरमैन है रमन गुप्ता, उन्होंने भी आज नेशनल कॉन्फ्रेंस से त्याग पत्र दे दिया है। और बीजेपुर के घोड़ा मोड़ स्थित पूर्व मंत्री सुरजीत सिंह सलाथिया के आवास पर इन पदाधिकारियों की एक बैठक हुई, और बैठक के दौरान इन पदाधिकारियों ने, जो काफ़ी लंबे समय से सलाथिया के साथ चलते थे, इन्होंने सलाथिया के समर्थन में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा दे दिया है। और इन्होंने ये भी कहा, हमारे साथ उनकी बातचीत भी, उन्होंने ये कहा कि वो भी जैसे ही उन्हें आदेश मिलेगा पूर्व मंत्री सलाथिया का, वो भी जल्द ही भाजपा का जो है वो दामन थामेंगे। इसके अलावा जो हमें और जानकारी मिली उनसे, वो ये थी कि जिले के जो और भी अन्य पदाधिकारी हैं या ब्लॉक कमेटियां हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो समर्थक पंचायत प्रतिनिधि हैं, वो भी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा देंगे और भाजपा में शामिल होंगे। वहीं जो पूर्व मंत्री सलाथिया, जिन्होंने सोमवार को दिल्ली में भाजपा का दामन थामा था, वो शनिवार को वापस आ रहे हैं जम्मू कश्मीर में, और उनके वापस आने की तैयारियों में जो है उनके समर्थक जो हैं वो जोर जोर से जुड़े हुए हैं। और एकाएक हम बता दें कि काफ़ी जो उनके समर्थक थे, कार्यकर्ता थे, वो सलाथिया के साथ चलते थे, और जैसे ही उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा दिया और उसके बाद इस्तीफा देने के बाद उन्होंने भाजपा का दामन थामा, तो जो पदाधिकारी थे वो भी आस्था आस्था जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा दे रहे हैं। और ये आज बहुत बड़ा झटका है कि जो पदाधिकारी हैं, जैसे कि जिला प्रधान की हमने बात की, तीन ब्लॉक प्रधानों की बात की, और बीडीसी के जो तीन चेयरमैन हैं, उनमें से ऐसे एक जो विजयपुर का चेयरमैन है जुगेश्वर सिंह, और रामगढ़ से हैं बीडीसी के चेयरमैन दर्शन चौधरी, और बड़ी ब्रह्मणा से महिला जो बीडीसी की चेयरमैन है रजनी देवी, उन्होंने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मंगलवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस को विजयपुर विधानसभा क्षेत्र पर जिला सांबा में एक बहुत बड़ा झटका लगा है। महेंद्र गुप्ता एडवोकेट बंद, आज ये जो पार्टी थी मेरी नेशनल कॉन्फ्रेंस, उससे इस्तीफा देता हूँ। और इसके आगे जो सिस्टम है कि कौन सी पार्टी मैंने ज्वाइन करनी है, वो मेरी पार्टी जो मैंने छोड़ी है नेशनल कॉन्फ्रेंस है, और
जिस पार्टी को मैं आगे ठीक समझ रहा हूँ वो बीजेपी है। इस पार्टी में जो कुछ मैंने देखा सुना और जो कुछ मैं देख रहा हूँ यही पार्टी है जिसमें मैं अपने आप को ठीक समझता हूँ और मेरे नेता श्री सुरजीत सिंह सलाथिया जी मेरे इस पार्टी में साथ चलेंगे और उन्होंने भी ये पार्टी ज्वाइन कर ली है। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं अपने जो भी मेरे साथी यहाँ हैं उनके साथ मैं भी यही ठीक समझता हूँ, यही पार्टी ठीक है जो मेरे कामकाज और मेरा जो भी सिस्टम है उसके साथ साथ चल रही है और मैं इस पार्टी को सही मायनों में ठीक समझता हूँ और सलाथिया जी के साथ इस पार्टी का नाम भी रोशन होगा। जय भार। मैं जोगेश्वर सिंह, बीडीसी चेयरमैन विजयपुर। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सलाथिया साहब के पीछे मैं उनके साथ चल रहा था और लगभग मैं 10-11 साल से सलाथिया साहब से जुड़ा था, तो सलाथिया साहब नेचुरली नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे तो मैं भी था। आज उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, मेरे नेता जो हैं सुरजीत सिंह सलाथिया, उन्होंने रिज़ाइन करके बीजेपी ज्वाइन कर ली है, तो नेचुरली मैं अपने नेता के साथ ही रहूँगा, नेता के साथ ही चलूँगा। जो हुक्म मेरे नेता का होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़नी है, मैंने आज छोड़ दी, रिज़ाइन मैंने कर दिया। मुझे हुक्म होगा कि बीजेपी ज्वाइन करनी है तो मैं बीजेपी ज्वाइन करूँगा। मैं इतना ही कहते हुए सलाथिया साहब के साथ चलता हूँ, चलता रहूँगा और मरदे दम तक चलता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत। भगवान सिंह बड़ी ब्राह्मणा, 18-19 साल का ब्लाक प्रधान सुरजीत सिंह सलाथिया जेडे मेरे लीडर हे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनकी गाइडेंस में 18-19 साल काम किया और जो भी उन्हें डायरेक्शन दी, जिस हिसाब की दिन राती अस उनके काम करते थे। अज साड़ा लीडर जिहड़ा सुरजीत सिंह सलाथिया जी है, उन्हें जी बीजेपी की पार्टी की ज्वाइन किया। अस पहले भी सुरजीत सिंह सलाथिया जी अपने लीडर मानते हैं, अज भी सुरजीत सिंह सलाथिया जी साढ़े लीडर ने, जिथे सुरजीत सिंह सलाथिया जी गए साढ़े अस उनके कन्ने गए, जिस पार्टी की भी उन्हें ज्वाइन किया बीजेपी की, अस उनकी गाइडेंस के बिच दिन राती जो भी काम वो दसन, जो भी डायरेक्शन वो देंगे, उस सब के कन्ने अस काम करेंगे। साढ़ा लीडर सुरजीत सिंह सलाथिया है, उनके कन्ने गए चलना, पहले भी चले और अज भी चलना। जय हिंद। आज हम नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा दे रहे हैं क्योंकि साडा जिहड़ा इत्थे दा साडा लीडर हा सुरजीत सिंह सलाथिया हा, असी 24 साल सुरजीत सिंह सलाथिया नाल चले हाँ, अज साडी उस पार्टी चों साडे लीडर ने इस्तीफा देता है। असी विजयपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से 3 ब्लाक के चेयरमैन और बाकी भी जिहड़े पार्टी के कारकुन ने सब ने इस्तीफा दे देना है, लेकिन आज हम ब्लाक लेवल पर, तो आने वाले वक्त लिए जिस तरह साहब की डायरेक्शन होएगी असी साहब नाल चलना है और साहब आख्या जिस तरह सानू पार्टी ज्वाइन कर लेनी उस तरह ही पार्टी ज्वाइन कर लेनी। कितने देर से आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में? तकरीबन 24 साल हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस की सेवा की है एक वर्कर के नाते और सलाथिया साहब की अध्यक्षा में। आगे भी हम सलाथिया साहब की अध्यक्षा में काम करेंगे, जैसे वो बोलेंगे वैसे हम करेंगे। यूथ ब्लाक प्रधान, आज मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस्तीफा देना क्योंकि साडे महबूब लीडर जनाब सुरजीत सिंह सलाथिया ने नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ी, असी भी उनके पिछे अज नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ रहे हैं। साडे लीडर ने जो भी फैसला लेता है वह सोच समझ के फैसला लेता है, असी भी उन्होंने ही चलेंगे। अज तो साडी पार्टी जिहड़ी है वह बीजेपी है और
सलाथी साहब की असं आश्वासन दें असं पहला वध मेहनत करके उन्होंने कामयाब बनावे। जय हिंद जय भारत। प्रेजिडेंट रामगढ़, मैं आज नैशनल कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा दे रहा हूँ। इस नेशनल कॉन्फ्रेंस में मैं 95 से सुरजीत सिंह सलाथिया की अध्यक्षता में काम कर रहा था और अभी हमारे लीडर ने इस पार्टी से इस्तीफा दे दिया और इसी कारण मैं भी इस पार्टी से आज इस्तीफा दे रहा हूँ और आगे जो भी हमारे लीडर की डायरेक्शन होगी, जहाँ वो ज्वाइन करेंगे हम भी वहीं पे ज्वाइन करेंगे। कितने पदाधिकारी हैं आपके ब्लॉक के जो नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ रहे हैं? हमारे असल में हमारे दो ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट की जितना भी हमारे मतलब पार्टी के जितने भी कारकुन हैं सारे के सारे रिजाइन दे रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से और बीजेपी में जा रहे हैं। जय हिंद जय भारत। काफ़ी दिनों से एक सियासी उठक पटक जो चल रही थी, बड़ी चर्चाएं थी कि देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को अलविदा कहकर भाजपा में शामिल हो रहे हैं, और जैसे ही रविवार को उन्होंने रिजाइन दिया और सभी अटकलों के ऊपर जो ब्राम लग गया और सोमवार को दिल्ली में उन दोनों नेताओं ने भाजपा का दामन थामा, उसके बजाय जो उनके समर्थक पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भी आस्था जो अपना नेशनल कॉन्फ्रेंस से रिजाइन दे रहे हैं। और मुझे और मेरे सहयोगियों को दीजिए इजाजत और देखते रहिए डैंग स्टेट समाचार।